हाँ प्रोडक्ट का शूट कर रहे हैं जो कि बेस्ट सेलर का ब्रांड है, नया ब्रांड है, एंड आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फैम। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगर आप मुझे बता सके, क्योंकि ये काफी डिफरेंट है, कूल मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता। इट्स मेंट फॉर अ यंगर डेमोग्राफिक, जवान लोगों के लिए कपड़े बना रहे हैं ये लोग, और कैजुअल क्लोथिंग भी है, बट एट द सेम टाइम देयर इज लाइक अ कैजुअल यू नो सॉर्ट ऑफ सेमी फॉर्मल यू नो वाइब टू इट इज़ वेल। डेनिम्स हैं, टी शर्ट्स हैं, यू नो ट्रैक्स हैं, तो इट्स दैट काइंड ऑफ जोन। लेकिन मज़ेदार है यार, आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट बिकॉज दे हैव सम वेरी डिवर्स क्लोथ्स। सो आमतौर पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करता, मैं कहना चाहूँगा कि क्या पहनूँ वो डिसाइड करने में। आई लाइक टू इन्जॉय व्हाट आई वेयर एंड आई लाइक टू बी कंफर्टेबल इन माय क्लोथ्स। सो 5 मिनट में डिसीजन हो जाता है, 35 सेकंड में कपड़े पहने जाते हैं और फिर रवाना काम पे। काफ़ी सारे लुक्स हैं यार, सिर्फ एक लुक नहीं है, यहाँ पर 11-12 लुक्स कर रहे हैं हम। और फिलहाल आपने मुझे पकड़ा है डेनिम्स में, ऑल डेनिम्स में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लासिक लुक है। सैकड़ों तो नहीं कहूँगा, लेकिन सालों से 50-60-70 साल से ये एक फैशन रहा है डेनिम क्लोथिंग का, और बदला भी है, लेकिन दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ रिमेन्ड द सेम, यू नो द फैब्रिक, द डेनिम लुक। सो फिलहाल दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। कपड़ों में ऑनेस्टली जहन में इस वक्त कुछ आ नहीं रहा, एक्सेप्ट कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनूँ, क्योंकि मेरी मॉम मुझे कहती रहती हैं कि काला और सफ़ेद के अलावा भी कुछ होता है दुनिया में। तो आई ट्राई टू वेयर मोर कलर्स एंड ब्रिंग कलर्स बैक, एंड आई थिंक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक ज़रिया है। आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और अपने आप को अपने कपड़ों के ज़रिए भी बयां करना चाहिए, एक आवाज़ देनी चाहिए। जी जो भी रोहन साहब को पसंद आ जाए मैं वही पोज पे अटक जाता हूँ। अच्छा। हमारे जो फोटोग्राफर हैं आलीशान, जो ऊपर इस वक्त घास के बीच में खड़े हैं, रोहन कैन यू वेव टू द कैमरा फॉर अस प्लीज, व्हाटएवर हिज फेवरेट पोज इज माय फेवरेट पोज। यार कोई मुझे एक टिश्यू इशू दे दो। हाँ हाँ मैं बताता हूँ बिल्कुल, आपको एक सेकंड मुझे दे दीजिए, पसीने में लोट पोट हो गया इंसान, यहाँ आप नर्वस कर देते हैं मुझे सर। हाउ हैव यू बीन, आपकी सेहत वेहत सब ठीक रही है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉर्मल लग रहा है आपको देख करके, सब अपने पिंजरों में बंद थे पिछले 1.5 साल से। आपकी फैमिली हमने सब तो मैं प्रोडक्ट के लिए एक और चीज़ बोल देता हूँ जो आप पंच इन कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाला सवाल पूछ लीजिए कोई भी। सॉरी शो और राइट, इंग्लिश में बोल सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम? और राइट प्रोडक्ट जैक एंड जोन्स, आई गॉट यू। और राइट प्रोडक्ट इज द न्यू रेंज बाय जैक एंड जोन्स, इट्स European fashion brand, and it's high on trend and it's affordable, so I think it's something really cool that's coming up for younger people like myself, and people should check it out. Yeah. Filmon ki main baat kar raha tha, agar aap bata sakte hain kaun se aane wale din mein upcoming film dekhenge, kyunki main kahin aisa kar raha tha ki Dhyan Chand ki biopic
फिलहाल मैंने मैंने फोन बूथ की शूटिंग करी हुई है ज़्यादा. फोन बूथ विल होपफुली बी कमिंग आउट सून. उसके बाद पिपा है जो कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, एंड उसके आगे आपको खबर हो जाएगी एज इन व्हेन द प्रोड्यूसर्स वुड लाइक. बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं फैंस को कोई भी टिप्स नहीं देना चाहूँगा. आई वुड जस्ट वांट टू से स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, एंड आई हैव मिस्ड यू, एंड आई प्रॉमिस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ कमिंग आउट फॉर यू गाइस. आई एम स्लीपिंग ऑन यू. थैंक यू सर. टू सी यू मैन. बाय. टेक केयर.